हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर आर। दोस्तों, आप लोग बहुत टाइम से मुझे टर्किश हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे टर्किश हॉरर मूवी माजी की। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 5.5 और गूगल यूजर्स ने इसे 81% लाइक किया है। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत होती है बुर्गा और देरन से, जो एक खंडहर वाली बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ उन्हें जिन्स खड़े दिखते हैं। और फिर वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ एक आदमी उन पे हमला कर देता है जो कि जिन द्वारा पजस्ड था, और वो दोनों प्रेयर पढ़ के उस जिन को नरक में जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमें दिखती हैं दो बहनें, जो हैं मार्ला और ओलिविया। ओलिविया एक जर्नलिस्ट है और मार्ला इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती है। वो लोग घर पहुँच के साथ डिनर करते हैं जब ओलिविया के हाथ में एक पिन चुभ जाती है जो मांस के टुकड़े में लगी थी। ओलिविया पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तब मार्ला उस मांस के टुकड़े को जला देती है। हमें यहाँ पता लगता है कि मार्ला प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने ओलिविया को अपने साथ रहने बुलाया है। मार्ला अपने एक्स हस्बैंड के बारे में भी बात नहीं करना चाहती। तब ओलिविया के जोर देने पे मार्ला बताती है कि वो केस की रिसर्च कर रही थी, तब उसको किसी ने एक फोटो भेजी थी जिसमें टर्की की ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसमें तावीज लटके होते हैं। पता लगता है कि एक लड़की जिसका नाम हवा था, उसने फोटो में दिख रही ड्रेस पहनी थी और हवा की लाश मिली। इसके बाद कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरी, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो उसका पेट फाड़ दिया गया था और पेट से बच्चा निकाल लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि वो ड्रेस जिन से बचाती है, लेकिन ओलिविया ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करती है। वो कहती है कि हमें वापस न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए। इस बीच मार्ला को एक फोन आता है जिसमें डिस्टॉर्टेड आवाज आती है। उस रात दोनों सो रही होती हैं जब लिविंग रूम का शीशा टूट जाता है और मार्ला को एक आवाज आती है और मार्ला उस आवाज के पीछे चली जाती है। वो एक रूम में जाती है जहाँ शीशे की एक अलमारी रखी होती है और वो देखती है कि वो शीशे की अलमारी हिल रही होती है। मार्ला के चिल्लाने की आवाज आती है, तब ओलिविया जाग जाती है। ओलिविया जब मार्ला की आवाज के पीछे उसको ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि मार्ला मर चुकी है। उसके पेट को भी फाड़ दिया गया था और उसके बच्चे को निकाल लिया गया था। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और बताती है कि उन्हें मार्ला के एक्स हस्बैंड पे शक है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक उन्हें रुकना होगा। तब तक वो मार्ला के एक्स हस्बैंड का पता लगा रहे हैं। ओलिविया यहाँ हवा का जिक्र करती है और कहती है कि हवा का क्या, उसकी मौत और मार्ला की मौत सिमिलर तरीके से हुई है। ऑफिसर कहता है कि वो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अब वो मार्ला के घर के बाहर लगे कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। इसके बाद ओलिविया मार्ला के दो दोस्तों से मिलती है, एमिर और सुजैन, जहाँ वो मार्ला के केस के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि मार्ला प्रेग्नेंट है। ओलिविया उनके घर पे रह रही होती है और वो उन्हें उस मांस के टुकड़े के बारे में बताती है और हवा के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता होता। यहाँ ओलिविया उनसे उस फोटो का जिक्र करती है। यहाँ ओलिविया बताती है कि उस गाँव की लड़की हवा की मौत भी ओलिविया की तरह हुई थी, लेकिन उसको उस गाँव का नाम नहीं पता। उस रात ओलिविया को एक सपना आता है जहाँ उसके बेड पे खून से बने सर्किल के बीच में गुड़िया रखी होती है और एक औरत उसको हॉन्ट करती है। अगले दिन एमिर ओलिविया को बताता है कि पुलिस ने उसे अर्जेंट बुलाया है। ऑफिसर बताता है कि रात के 3 बजे के करीब उन्होंने एक हुडेड मैन को देखा था जिसके हाथ में एक चाकू और एक पॉलीथीन बैग था, और उन्हें खालिद जो कि मार्ला का एक्स हस्बैंड है उसका पता लग गया है। पुलिस बताती है कि खालिद ने सुसाइड कर लिया है। ऑफिसर बताता है कि मार्ला के एक्स हस्बैंड के घर से वही हुडेड कॉस्ट्यूम मिली है और मरने से पहले खालिद एक लेटर छोड़ गया है जिसमें लिखा है कि अब हमारा बच्चा एक एंजल है और तुम्हारा दर्द वेस्ट नहीं जाएगा और मैं मर चुका हूँगा। पुलिस अब मार्ला के नाखून की स्किन से उसके एक्स हस्बैंड का DNA मैच करेगी, और अगर वो मैच हो गया तो यानी उसका एक्स हस्बैंड ही उसका कातिल है। ओलिविया का मानना है कि मार्ला और हवा का एक जैसा मरना अजीब है, लेकिन ऑफिसर को लगता है कि हो सकता है कि मार्ला के हस्बैंड ने हवा की कहानी सुनी होगी और उससे इंस्पायर होकर मार्ला को उसी तरह मार डाला, लेकिन ओलिविया ऐसा नहीं मानती। इसके बाद ओलिविया मार्ला के घर रखी एक CD सुनती है। अगले दिन मार्ला को क्रिश्चियन तरीके से दफनाया जाता है। इसके बाद ओलिविया को भी एक रात वैसे ही कॉल आता है जिसकी भाषा कुछ समझ नहीं आती, जैसा कि फोन कॉल मार्ला को आया था। एक दिन ओलिविया के नाम पे एक पार्सल आता है जिसमें उसको एक वीडियो कैसेट मिलता है जिसमें एक सर्किल के बीच में लड़की को बांध दिया होता है और कई लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब वहाँ एक आदमी आता है और चाकू से उस लड़की का पेट फाड़ देता है और बच्चा निकाल लेता है, उस लड़की की वही मौत हो जाती है। हम देख पाते हैं कि वो बच्चा पूरी तरह डेवलप नहीं था और उसकी एक पूंछ थी, और एंड में एक साइन दिखाया जाता है। ये वीडियो ओलिविया एमिर और सुजैन को दिखाती है। बात साफ है कि वो वीडियो हवा का है, लेकिन किसने भेजा और वो गांव कहाँ है ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि हवा कहाँ रहती है।
एमिर ओलिविया के साथ उस गांव जाना चाहता है, लेकिन सुजैन ऐसा नहीं चाहती, जिसको लेके उनके बीच में बहस हो जाती है। ओलिविया को मार्ला के बैग से पेगन की बुक मिलती है और एक चाबी जिसमें एक नाम लिखा होता है लॉरेंस। तब एमिर का कॉल आता है, वो बताता है कि मार्ला के पुराने घर का एड्रेस मिल गया है और वो दोनों उसके पुराने घर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंच के उनको एक दरवाजा दिखता है जिसके ऊपर वही साइन बना होता है जो वीडियो टेप में उन्होंने देखा था। जिस पेगन की बुक में ओलिविया को चाबी मिली थी, उसी चाबी से वो दरवाजा खुलता है और अंदर जाते ही उनको दिखता है कि ब्लैक मैजिक की चीजें लटक रही होती हैं। उन्हें वहां मार्ला के नाम की एक बोरी मिलती है जिसमें मार्ला की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और एकदम से वहां कई कीड़े आते हैं और चीजें हिलने लगती हैं और वो लोग उस बोरी को लेके घर चले आते हैं। वो लोग घर लाके उस बोरी को खोलते हैं जिसमें बहुत बदबू आ रही होती है। उस बोरी को खोलने पे दिखता है कि वो एक ब्लैक मैजिक का कलेक्शन था जिसमें मांस, खोपड़ी और कई सुइयां चुभी थी। एमिर कहता है कि हो सकता है मार्ला का पति ये सब छुप के कर रहा हो ताकि वो मार्ला से बदला ले सके, क्योंकि मार्ला ने उसे छोड़ दिया था। अब ओलिविया ने पूरे घर में कैमरे लगा दिए होते हैं। उस रात वो सो रही होती है जब वो शीशे की अलमारी दोबारा हिलने लगती है। ओलिविया जब वहां जाके देखती है तो उसको अलमारी के नीचे एक किताब मिलती है जिसपे लिखा होता है इनवोकिंग द जिन्स ऑफ बेबीलोन। उसी बुक में उसको एक नोट मिलता है जिसमें हवा की स्टोरी लिखी होती है और उस गांव का नाम भी लिखा होता है। उस गांव का नाम होता है देरीकुयू। हमें दिखाया जाता है कि वहां कई कीड़े मंडरा रहे होते हैं जिनका फेस इंसान की तरह होता है लेकिन थोड़ा डरावना। अब ओलिविया, एमिर और सुजैन देरीकुयू गांव के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में वो एक औरत से उस गांव के रास्ते के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि वो गांव पहाड़ों के पीछे है। तभी वहाँ कुछ आदमी आते हैं और ये बात सुन के भड़क जाते हैं कि वो लोग देरीकुयू गांव के बारे में पूछ रहे हैं। उनमें से एक आदमी उन तीनों पे गोली चला देता है और वो लोग किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। आगे चल के वो फिर से एक आदमी से पूछते हैं तो वो बताता है कि वो गांव कभी हुआ करता था लेकिन अब सब जल चुका है। वो आदमी कहता है कि तुम लोग हवा की कहानी सुनने आए हो, अब वहाँ के लोग इस बारे में कोई बात नहीं करते क्योंकि हवा के मरने के बाद उस गांव के कई लोग मर गए थे। वो उन्हें वहाँ के ओजा शेख अब्दुल रहीम के बारे में बताता है और अपने बेटे से कहता है कि वो उन्हें ओजा के घर तक छोड़ा है। ओजा के घर पे पहुँचने पे ओजा बताता है कि हवा 16 साल की थी जब वो लोग उस गांव में रहने आए थे। हवा की आंखें बहुत ही बड़ी थी। हवा के उस गांव में आने के बाद वहां के जानवर मरने लगे और लोग बीमार रहने लगे, जिसके बाद वहां एक अफवाह फैल गई कि हवा की आंख ईविल है। एक रात मस्जिद में हवा के पिता ओझा के पास आए और बोले कि उनकी बेटी हवा एक जिन के कब्जे में है और ओझा उनकी मदद करे। ओझा जब हवा के घर जाता है तो हवा को एक गड्ढे में बैठा पाता है। ओझा उसको बाहर निकलने के लिए कहता है और उसकी तरफ देखने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या जिन ने तुम्हें पोजेस किया है, क्या वो यही है? तब हवा उस गड्ढे की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो उन्हें देख रहा है। ओझा उस जिन से नाम पूछता है और उसका नाम था खुदिया। ओझा उस जिन से पूछता है कि तुम्हें इस लड़की से क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि अपना बच्चा, और हवा अपने पेट में पल रहा बच्चा दिखाती है जो कि ईविल था और उस बच्चे को आज ही जन्म लेना था। वो जिन ओझा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है सेटन कैसे पैदा हुआ, और वो जिन अपने असली रूप दिखाता है। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और हवा की तरफ बंदूक तान देते हैं। हवा वापस अपने बच्चे को दिखाती है, जोर की हवा चलने लगती है और मकान गिरने लगता है। इस हादसे के बाद गांव वाले बहुत डर गए। उनको इस हादसे के बाद हवा की लाश मिली और हवा का पेट फटा हुआ था और उसका बच्चा निकाल लिया गया था। ओझा बताता है कि वहां के गांव वालों का मानना था कि जिन ने ही हवा को मार डाला है। एमिर ओझा से पूछता है कि लेकिन वो ये सब कैसे कर सकते हैं, वो तो सिर्फ एक एनर्जी होते हैं। ओझा बताता है कि बेबीलोनियंस का प्रभाव इंसान के शरीर पे हो सकता है। वो खून में सड़ सकते हैं, टूट सकते हैं और खून भी चूस सकते हैं। जिन से एक एनर्जी है जो मनुष्य के साथ ही रहते हैं लेकिन एक अलग डायमेंशन में। वो सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और मार भी सकते हैं। जिन इंसानों को हमेशा सुन सकते हैं, उन पे नजर रखते हैं, वो सताते हैं और सुसाइड भी करवा सकते हैं। ओझा कहता है कि एलियंस भी जिन ही हैं, वो एक इंसान के शरीर को पकड़ सकते हैं। वो लोग ओझा को भी हवा का वही वीडियो दिखाते हैं और ओझा उस निशान को पहचान लेता है और वो निशान यांगजीर कल्ट का था। ओझा बताता है कि गांव में एक प्रीस्ट आया था जिसने सेम साइन दिखाया था। ये उसी दिन की बात है जब हवा मरी थी, उसके बाद वो प्रीस्ट कभी नहीं दिखा। तभी वहाँ ओझा की बेटी घबराते हुए बाहर आती है और उन लोगों को वहाँ से बाहर निकल जाने को कहती है और उनसे वही सवाल पूछती है जो हवा ने पूछा था कि सेटन का जन्म कैसे हुआ। और वो तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि ओलिविया और एमिर करीब आने लगे थे। ओलिविया एक रात सपना देखती है जहाँ उसका लोअर पार्ट खून से सना होता है और उसके अंदर से एक ईविल बच्चा निकलता है जो उसको हॉन्ट करता है। तब ओलिविया को आवाज सुनाई देती है और वो फिर से अलमारी वाले रूम में जाती है जहाँ उसको लॉरेंस मिलता है, वही राइटर जिसने पेगन पे बुक लिखी थी जो बुक मार्ला के बैग से निकली थी। लॉरेंस ओलिविया को बताता है कि उसकी बहन मार्ला ने उसे घर की चाबी दी थी।
लॉरेंस ओलिविया से कहता है कि उसके पास मर्डर की कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो ओलिविया को आगाह भी करता है कि तुम बहुत बड़े खतरे में हो। लॉरेंस ओलिविया से कहता है कि अगर तुम्हारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके यहाँ तुम रह सकती हो तो रहने चली जाओ। जब लॉरेंस लौट रहा होता है तो उसको दो कुत्ते फॉलो करते हैं और उसको सामने तीन आकृति खड़ी दिखती है। लॉरेंस को उस समय एक फोन आता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, हम डिसाइड करेंगे जन्म और मृत्यु। और सामने से एक काली आकृति लॉरेंस पे हमला करती है और लॉरेंस उस पे गोली चला देता है और वो आकृति वहाँ से चली जाती है। उधर सुजैन पोजेस्ट हालत में ओलिविया पे हमला कर देती है। तब एमिर आता है और सुजैन एक कोने में डरी सी रो रही होती है और एमिर वहाँ सारी सिचुएशन संभालता है। अगले दिन ओलिविया और एमिर लॉरेंस से मिलने जाते हैं। वो यहाँ है क्योंकि अगर कल्ट का कोई मर्डर हुआ होगा तो उसका सबूत जरूर होगा। लॉरेंस को यकीन है कि मार्ला को उसके एक्स हस्बैंड ने नहीं मारा है। लॉरेंस यहाँ एक टर्किश आदमी के बारे में बताता है जिसका ओरिजिन जर्मन था और वो टर्की का सिटीजन था। ऐसा माना जाता है कि इसी ने हिटलर को बनाया था और इस आदमी का नाम था बैरन। बैरन ने 1990 में एक ब्लैक सोसाइटी थूले नाम से बनाई थी म्यूनिख में। वो सोसाइटी किसी ऐसे को ही ढूंढ रही थी जो एरियन रेस को मैनेज कर सके काले जादू और रसायन शास्त्र से। इसके लिए उन्होंने हिटलर को चुना, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि हिटलर उसके लिए सही आदमी नहीं है तब देर हो चुकी थी। तब बैरन ने हिटलर पे एक बुक लिखी बिफोर हिटलर के, जिसमें उसने हिटलर के सारे राज बताए थे। इसके बाद हिटलर ने उस सोसाइटी को बंद करने और कैद करने की सजा सुनाई। उसके बाद उसको ऐसी सजा देने को कहा जो मौत के बराबर थी। लेकिन बैरन वहाँ से भाग गया और ईस्ट टर्की के मार्दिन में आके रहने लगा। मार्दिन का मतलब होता है मार्दुक का घर, जो बेबीलोन के स्ट्रॉन्ग गॉड है। बैरन को वहाँ वो सब मिला जो वो चाहता था। बैरन ने यहाँ बड़े पैमाने पे भयानक काला कल्ट बनाया जिसका नाम था यांगजीर। यांगजीर उस गेट का नाम है जहाँ से वहाँ पहुँचा जा सकता है जहाँ जिन्स और डीमंस रहते हैं, असीरिया और बेबीलोन। जिन्स से कांटेक्ट करने के लिए उस इंसान को यांगजीर के गेट से होके जिन्स की दुनिया में जाना पड़ता है। जो डीमंस इंसान को पैरालाइज्ड कर सकते हैं उनको अनुनाकी कहते हैं। और बैरन को पता लग गया था कि बेबीलोनियंस इस निशान को तावीज के रूप में जिन्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, वही निशान जो वीडियो में उस कल्ट में दिखा था। उनको जिन्स की नस्ल के लिए ब्लैक सन चाहिए था। टर्की के जादूगरों ने उसका कल्ट ज्वाइन किया। लोग दुनिया भर से उसके कल्ट ज्वाइन करने के लिए आए और इसके बाद बैरन बहुत ताकतवर हो गया था। बैरन ये ताकत जिन्स को बुलाने और उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करने लगा। बैरन का मकसद था हिटलर से बदला और उसको मार देना। बैरन को इंसानी नस्ल से ऊपर एक नस्ल चाहिए थी, एक सुपीरियर रेस। तो उसने सोचा कि वो ये नस्ल जिन्स और इंसान से पैदा करेगा जो आधे जिन और आधे इंसान होंगे, जो कि माजी कहलाते हैं, यानी आधे इंसान और आधे अनुनाक। मैजिक शब्द माजी शब्द से ही लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि कमजोर और डिप्रेस्ड औरतें जिन्स का आसानी से शिकार बन जाती हैं। माजी के पास स्पेशल पावर्स होती हैं, लेकिन वो कैसे दिखते हैं और वो कहाँ रहते हैं ये किसी को भी नहीं पता है। ओलिविया उस प्रीस्ट के बारे में पूछती है और लॉरेंस उस प्रीस्ट की फोटो दिखाता है। ये वही आदमी है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखा था, बारगा, जो मार्दिन में रहता है। लेकिन उसका कॉन्टैक्ट नंबर बताने से पहले बारगा से पूछना होगा। ओलिविया एक आखिरी सवाल पूछती है कि सेटन को किसने जन्म दिया, लेकिन 20 साल से लॉरेंस भी यही खोज रहा है और उसको भी नहीं पता। इसके बाद लॉरेंस बारगा को कॉल करता है और कहता है कि कल्ट के लोग ओलिविया को मार देंगे, तुमको मदद करनी होगी। लेकिन बारगा कहता है कि वो एक रिटायर्ड प्रीस्ट है। वो कहता है कि लॉरेंस ही ये सब बुक में लिख रहा है और वो खुद अब इससे निपटे। तभी कॉल ब्लैंक हो जाती है। बारगा लॉरेंस को वहां से तुरंत बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन लॉरेंस को कुछ सुनाई नहीं देता। तब वहाँ कल्ट के मेंबर्स आते हैं और लॉरेंस को खुद ही उसकी गोली से मरवा देते हैं। उधर ओलिविया को जिन्स एक विजन दिखाते हैं जिसमें वो माजी यानी जिन्स के बच्चों को देखती है जो इंसान से ही जन्मे थे। तब वहाँ एमिर आता है और ओलिविया को संभालता है। एमिर बताता है कि कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है जो ओलिविया ने उस घर में लगाए थे। ओलिविया अपनी बहन की मौत से बहुत परेशान थी और वो अपने बचपन की यादों को बताती है। और यहाँ एमिर और ओलिविया किस करते हैं, जिसके बाद वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। उस रात एमिर के रूम में ना होने से ओलिविया को जिन उसी रूम में ले जाता है और वहाँ उसको एक औरत हॉन्ट करती है। तब एमिर वहाँ आता है और ओलिविया को वहाँ से ले जाता है। अगले दिन बारगा प्रीस्ट ओलिविया के घर आते हैं और ओलिविया उनको वो बोरी दिखाती है जो उसको मार्ला के पुराने घर में मिली थी। प्रीस्ट उस पे होली वाटर डालता है और जब प्रीस्ट वहाँ शीशे की अलमारी को देखता है तो शीशे की अलमारी के पीछे के कवर हटाने पे उसको एक निशान मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मार्ला 7 यांगजीर के गेट से होकर गुजर चुकी है और वो एक डीमन से मिली जिसका नाम था काइबोर। प्रीस्ट बताता है कि मार्ला कल्ट की ही मेंबर थी जिनसे मिलने के लिए उसको यांगजीर के 7 गेट से होकर गुजरना था और उसके लिए मार्ला ने एक जिन को उसी अलमारी में कैद कर लिया जब मार्ला उससे मिली थी और मार्ला के बच्चे का पिता वही कैद हुआ जिन है। यानी मार्ला अपने हस्बैंड से नहीं जिन से प्रेग्नेंट थी।
जब मारला हवा का केस रिसर्च कर रही थी तब कल्ट ने उसको बच्चा जन्म देने के लिए चुना था। मारला ने ये जानने के बाद भी कि उसकी मौत भी हवा की तरह होगी, उसने कल्ट को ज्वाइन किया क्योंकि कल्ट के लोगों ने उसको एक कसम दी थी और अब वो कसम ये लोग उस कैद किए गए जिन से पूछने की तैयारी करते हैं। अब देरन एक पवित्र कपड़ा ओढ़ के एक सर्किल के बीच में बैठ जाता है और उसके सामने वही बोरी रखी जाती है जो उन लोगों को मारला के पुराने घर से मिली थी। अब प्रीस्ट उस जिन को बुलाता है जिसको कैद किया गया था। वो प्रीस्ट पूछता है कि मारला का बच्चा कहाँ है, तब वो जिन बताता है कि वो शैतान की दुनिया में है यानी नर्क में। प्रीस्ट उस जिन से पूछता है कि मारला ने कल्ट ज्वाइन क्यों किया था, क्या कसम दी थी कल्ट ने उसको। लेकिन जिन क्योंकि कैद था इसलिए वो छूटने के लिए तड़प रहा होता है और वो कहता है कि उसको आजाद कर दो। प्रीस्ट कहता है कि वो उसे तब तक आजाद नहीं करेगा जब तक वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे देता। इस बीच हम देहरन के अंदर उस जिन का रूप देख पाते हैं। तब वो जिन चाकू से एक बर्तन पे कुछ लिखता है और प्रीस्ट के कान में कुछ बोलता है जिसके बाद देरन बेहोश हो जाता है। वो लोग नहीं जानते कि वो भाषा क्या है, लेकिन क्योंकि जिन पैरेलल दुनिया में रहते हैं यानी शीशे के पार, तो वो लोग शीशे को सामने रख के उन लेटर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तब हम देख पाते हैं कि शीशे में लिखे वर्ड्स होते हैं व्हाट चाइल्ड इज दिस। तब ओलिविया को याद आता है कि उसने ऐसी ही सीडी सुनी थी। तब ओलिविया वो सीडी प्रीस्ट को देती है। उस सीडी के कवर के अंदर लिखा होता है कि मैरी जीसस की माँ है, लेकिन शैतान की कोई माँ नहीं है, उसने खुद को ही जन्म दिया। प्रीस्ट कहता है कि यही मारला को ऑफर किया गया था जब उसने कल्ट को ज्वाइन किया, यानी मारला को ये कसम दी गई कि वो दोबारा जन्म लेगी। प्रीस्ट वो सीडी कवर दिखा के ओलिविया से पूछता है कि तुम्हें इस पिक में क्या दिखाई देता है, तब वो कहती है जीसस एज अ बेबी। लेकिन जब प्रीस्ट वो सीडी कवर एमिर को दिखाता है तो एमिर उस पिक्चर से कुछ भी पहचान नहीं पाता और प्रीस्ट उसके पेट में चाकू भोंक के उसको मार देता है। यहाँ एक राज खुलता है कि दरअसल एमिर भी उस कल्ट का मेंबर था, क्योंकि देरियन के अंदर के जिन ने प्रीस्ट को बताया था कि जब वो जीसस को देखेगा प्रीस्ट वन आई वाले इविल को मार दे। और जब एमिर ने वो सीडी कवर देखा था तो उसने अपनी एक आंख छुपा रखी थी। प्रीस्ट ओलिविया को एमिर के शरीर पे बना कल्ट का निशान दिखाता है और कहता है कि ये भी कल्ट का एक मेंबर था। प्रीस्ट बताता है कि कल्ट ऐसे ही काम करता है, वो डिप्रेस्ड और वीक औरतों को चुनते हैं। प्रीस्ट और देरियन ओलिविया को वहां से लेके चले जाते हैं और वो लोग उसी बिल्डिंग में आते हैं जो बिल्डिंग हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। तब प्रीस्ट ओलिविया को वापस वो वीडियो टेप दिखाता है जो हवा की डेथ से रिलेटेड था और प्रीस्ट दिखाता है कि ये सब सिर्फ नाटक था, वो वीडियो टेप फेक है। प्रीस्ट बताता है कि मारला और एमिर मिले हुए थे, वो दोनों चाहते थे कि ओलिविया वो कल्ट ज्वाइन कर ले। कल्ट के मेंबर हमेशा ऐसे आदमियों को चुनते हैं जो स्मार्ट हों और उनको कई सारी वुमेन्स चाहिए होती हैं ताकि वो जिन्स के बच्चे पैदा कर सकें। मारला के साथ भी यही हुआ। मारला एक जिन से मिली जो कि इंसानी रूप में था और मारला उसी जिन से प्रेग्नेंट हुई। दरअसल माजी जो आधा इंसान और आधा जिन का बच्चा होता है उसको जन्म तो एक औरत देती है लेकिन सीमन एक जिन का होता है। इसके बाद प्रीस्ट ओलिविया से पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथ में कुछ चुभा था, तब ओलिविया बताती है कि नमक उठाते वक्त उसके हाथ में एक पिन चुभ गई थी। प्रीस्ट ओलिविया से पूछता है कि क्या तुम एमिर के साथ फिजिकल हुई थी, तब ओलिविया को याद आता है कि वो एमिर के साथ फिजिकल हो गई थी। तब प्रीस्ट बताता है कि दरअसल जिसके साथ ओलिविया फिजिकल हुई थी वो एमिर नहीं था बल्कि जिन था जो एमिर की बॉडी को यूज कर रहा था। तब ओलिविया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, प्रीस्ट उसको एक बेड पे लेटा देता है और ओलिविया को एक पवित्र कपड़े से बांध देता है। इसके बाद देरियन प्रीस्ट को बताता है कि जिन्स को उनकी लोकेशन पता लग गई है, लेकिन प्रीस्ट कहता है कि हमें ओलिविया की जान तो बचानी ही होगी वरना ओलिविया के साथ भी वही होगा जो मारला के साथ में हुआ था। तब प्रीस्ट कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, दरअसल जो बुक में लिखा है अब वो वही अपनाएगा। देरियन को लगता है कि ये पागलपन है, ऐसा कोई भी नहीं करता, किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया है। प्रीस्ट कहता है कि इन लोग को रोकने का सिर्फ यही एक जरिया है और वो देरियन से वो बुक मंगवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रीस्ट उस रूम में जाता है जहां ओलिविया को लेटाया था और वो कपड़ा हटाता है तो देखते हैं कि मांस के छोटे छोटे टुकड़े रखे होते हैं जिसमें कील लगी होती है और ओलिविया एक कोने में बैठी होती है। प्रीस्ट कहता है कि ओलिविया का शरीर भले ही यहाँ है लेकिन उसकी सोल अभी भी उनके कब्जे में है। वो लोग ओलिविया को लेके बाहर आ जाते हैं और अब प्रीस्ट तैयारी करता है जिन्स के डायमेंशन में जाने के लिए ताकि वो ओलिविया की सोल को वापस ला सके। ओलिविया और प्रीस्ट एक बोरी के अंदर बैठ जाते हैं। इसके बाद देरियन लैटिन में प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर देता है और प्रीस्ट जिन के डायमेंशन में पहुंच जाता है। जिन्स के डायमेंशन में पहुंचने के बाद जिन्स कहता है कि वहां उसका राज चलता है, यहां गॉड नहीं है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तब प्रीस्ट कहता है कि गॉड हर जगह है और सामने से निकल के आती है ओलिविया, यानी जिन ने ओलिविया की सोल पे कब्जा किया होता है। प्रीस्ट ओलिविया पे होली वाटर छिड़क देता है और ओलिविया आजाद हो जाती है। वो लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तब सामने से एमिर और सुजैन आते हैं, यानी एमिर और सुजैन के रूप में जिन्स वहां आते हैं और वो देरियन का गला काट देते हैं।
ये दर्द देरियन को अपनी दुनिया में महसूस होता है और देरियन एक खंजर प्रीस्ट के पास फेंक देता है। प्रीस्ट को वो खंजर मिलते ही कई सारे जिन्स वहाँ आते हैं और प्रीस्ट को हॉन्ट करते हैं। इसके बाद प्रीस्ट वो खंजर जिन पे मारता है और जिन वहाँ से चले जाते हैं और ओलिविया और प्रीस्ट वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और प्रीस्ट को गिरफ्तार कर लेती है एमिर के खून के इल्जाम में। पुलिस इन दोनों को जेल ले जाती है और एंड सीन में हम देखते हैं कि ओलिविया की आंखें एम्बुलेंस में खुलती है। उसी एम्बुलेंस में हवा और वो डिलीवरी बॉय बैठा होता है, वही डिलीवरी बॉय जिसने ओलिविया के घर पे वो कैसेट डिलीवर किया था। और हम देखते हैं कि ओलिविया को मारला दिखती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई नो यहाँ पे बहुत से राज रह गए हैं, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल मारला, एमिर और सुजैन उस कल्ट के मेंबर थे, इसलिए जब मारला और हवा प्रेग्नेंट हुई तो कल्ट के मेंबर आए और उनका पेट काट के बच्चे को ले गए, क्योंकि कल्ट के मेंबर्स यही करते हैं। जो भी औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है, ये कल्ट के मेंबर उस बच्चे के जन्म से कुछ टाइम पहले आते हैं और उस बच्चे को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाते हैं। हवा को भी कल्ट के मेंबर नहीं चुना होगा, इसीलिए वो भी जिन से प्रेग्नेंट हुई थी। आपको याद होगा वो सपना जो ओलिविया ने देखा था, जब उसके लोअर पार्ट से खून निकल रहा था और एक इविल बच्चा उसके अंदर से निकला था। दरअसल वो इशारा था कि अब कल्ट ने अगला ओलिविया को चुना है। जो डिलीवरी बॉय ओलिविया के घर पे कैसेट डिलीवर करने आया था, वो भी कल्ट का मेंबर था, इसीलिए जब वो कैसेट ओलिविया को डिलीवर कर रहा था तो वो ओलिविया को अजीब तरह से देख रहा था। कल्ट की एक्टिविटी सस्टेन करने के लिए एमिर और मारला ने प्लान बनाया कि वो ओलिविया को कल्ट पे यकीन दिलाएंगे ताकि ओलिविया भी उस कल्ट को ज्वाइन कर ले। एंड में हम देखते हैं कि मारला की आंखों का कलर बदल जाता है, यानी हवा डिलीवरी बॉय और मारला जेंस थे जो ओलिविया को अपने साथ ले गए। क्योंकि एंड के सीन में हमें न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि ओलिविया भी मरी पाई गई। इस मूवी में घर के हर शीशे टूटे दिखाई देते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि जिन बाहर आना चाहता था, और वहाँ के कीड़ों का फेस क्रीपी दिखाया गया है। शायद इसी के जरिए कल्ट वाले मारला पे नज़र रख रहे थे कि कब वो बच्चे को जन्म दे और कब वो बच्चे को अपने साथ ले जाएं। ऐसा मेरा मानना है। मारला को कल्ट के लोगों ने कसम दी थी कि वो दोबारा जन्मेगी, लेकिन जो एक बार मर गया वो वापस लौट के कभी नहीं आता। मैं आपको एक और ट्विस्ट बता दूं। दरअसल जो ऑफिसर मारला का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो भी कल्ट का मेंबर था, क्योंकि प्रीस्ट ने उसे पहचान लिया था। क्योंकि एक सीन में प्रीस्ट कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और अपने कल्ट के लीडर को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स देना, यानी उस कल्ट के मेंबर हर जगह थे। काफी टाइम बाद मुझे किसी टर्किश मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग लगा है, जहाँ ब्लैक मैजिक को हिटलर की हिस्ट्री से जोड़ के बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट काफी नया और फ्रेश है। दोस्तों मैं ये मूवी कई टाइम से आप सबके लिए एक्सप्लेन करना चाहती थी और बहुत मुश्किल से मुझे ये मूवी देखने को मिली है और मैंने इस वीडियो के लिए काफ़ी हार्डवर्क किया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो और मेरा हार्डवर्क पसंद आया होगा। तो अगर आपके कोई सवाल हैं जो छूट गए हैं या आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और अच्छी टर्किश मूवी के साथ, लेकिन वो वीडियो कब आएगी ये मैं आपको अभी पक्का नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।